नामपली में पशुपालन विभाग कार्यालय से महत्वपूर्ण फाइलें गायब होने की घटना को कांग्रेस सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। इसके अलावा इसमें भेड़ों के वितरण में अनियमितताओं पर भी फोकस किया गया। राज्य सरकार ने इन दोनों मामलों को एसीबी को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। यह पाया गया है कि उच्च अधिकारी भेड़ों के वितरण के लिए नकद हस्तांतरण में शामिल है। गच्चीबावली में अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पशुपालन विभाग कार्यालय में फाइलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला दर्ज करने वाली पुलिस ने हाल ही में इसे एसीबी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कई जगहों पर फाइलें जलाने जैसी घटनाएं हुई। पूर्व मंत्री तरसानी श्रीनिवास यादव ओएसडी कल्याण मसाब टैंक स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय में अवैध रूप से घुस गए और कर्मचारियों की मदद से ब्यूरो में फाइलों को फाड़ दिया और कुछ महत्वपूर्ण फाइलों की अपनी कार में ले गए। पुलिस ने चौकीदार मंडल लक्ष्मया की शिकायत पर कल्याण, ऑपरेटर मोहन एलिजा, वेंकटेश और प्रशांत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं सरकार के संज्ञान में आया है कि भेड़ वितरण के मामले में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। बीआरएस ने इस योजना में बड़े पैमाने पर धन के हेरफेर की पहचान की। इसके चलते कई अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और हाल ही में रेवंत सरकार ने इन मामलों को एसीबी को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। वाई शर्मिला को आंध्र प्रदेश पीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेतृत्व ने इसकी घोषणा की है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सीडब्ल्यूसी ने अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके गिदुगु रुद्र राजू को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की स्थापना करने वाली शर्मिला हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई और उन्होंने उस पार्टी का विलय कर दिया। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शीर्ष नेता राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जब शर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई तो जोरों से प्रचार किया गया कि वह आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपेगी। इसे सच करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें एपीपीसीसी प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी के जयंती कार्यक्रम का भव्य आयोजन नेकलेस रोड स्थित आत्मा स्थल पर किया गया। इस दौरान कई मंत्रियों और नेताओं ने जयपाल रेड्डी को श्रद्धांजलि दी। बाद में मंत्री कोमिटे और तुम्बला ने जयपाल रेड्डी की सेवाओं को याद किया, साथ ही उनके कदमों पर चलने का आह्वान किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुदिनी जयपाल रेड्डी की 82वीं जयंती समारोह पीवीएनआर मार्ग स्फूर्ति स्थल पर भव्य रूप से मनाई गई। इस मौके पर उत्पाद शुल्क पर्यटन और संस्कृति मंत्री जूपल्ली कृष्ण राव ने जयपाल रेड्डी घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयपाल रेड्डी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी द्वारा अपनाए गए नैतिक मूल्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। उन्होंने कहा कि जयपाल रेड्डी एक महान नेता है जिन्होंने देश की राजनीति में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने जयपाल रेड्डी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने तेलंगाना राज्य के गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैदराबाद में मेट्रो लाने में जयपाल रेड्डी के प्रयास थे। जयपाल रेड्डी के पहल के कारण कलवा कुर्ती ओटी पट्टा योजना सरकार हुई। उन्होंने संयुक्त पालमुरु के विकास की नींव भी रखी जिला और जयपाल रेड्डी ने देश और राज्य की बहुत सेवा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनकी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आधिकारिक तौर पर देश और राज्य के प्रति उनकी सेवाओं के प्रतीक के रूप में जयपाल रेड्डी की जयंती समारोह का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में संयुक्त महबूबनगर जिले के कई विधायक, पूर्व सांसद मल्लू रवि और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जयपाल देश के 5 सर्वश्रेष्ठ लोकसभा सदस्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालांकि जयपाल रेड्डी को गए काफी दिन हो गए, लेकिन दोनों तेलुगु राज्य उन्हें याद रखेंगे। पोंगुलेटी ने कहा कि तेलंगाना के गठन के 10 साल बाद जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी। पूर्व केंद्रीय जयपाल रेड्डी की 82वीं जयंती समारोह नेकलेस रोड स्थित प्रसूति स्थल पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पोंगुलेटी ने कहा कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना के विकास और जयपाल रेड्डी की महत्वाकांक्षाओं के लिए आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह 40 दिन का नियम सरकार के नियम का प्रमाण है। कांग्रेस ने एमएलए कोटा से एमएलसी प्रत्याशी फाइनल कर लिए हैं। स्क्रीन पर कई वरिष्ठों का नाम सुनने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने बालमुरु वेंकट का नाम इस तरह फाइनल किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस हाईकमान ने दोनों पदों के लिए 4 से 5 लोगों के नामों पर विचार किया। नालगोंडा जिले से अदंकी दयाकर का नाम लगभग तय हो चुका है और बाकी सीट के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, शब्बीर अली, अजहरुद्दीन संपत और मधु याशकी गौड़ के नाम सुनने में आए। राज्यपाल कोटे में 2 खाली एमएलसी पद हैं, जिनमें से एक प्रोफेसर कोदन राम को और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को दिए जाने की संभावना है। इन पर जल्द ही स्पष्टता आ जाएगी। बजट की कवायद के तहत मंगलवार से विभागवार समीक्षा शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी संबंधित विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के अधीन विभागों से संबंधित बैठकें 24 से 27 तक होंगी। वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को राज्य सरकार की हालिया घोषणाओं के अनुरूप नई योजनाओं, महत्वपूर्ण पहलुओं,
की विवरण और वित्तीय बोझ के संबंध में एक अलग रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। राजना सिरसिला जिले में कपड़ा उद्योग को अनिश्चित काल के लिए बंद करने के प्रबंधन के फैसले पर मंत्री तुमला नागेश्वर राव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उद्योग बंद होने के कारणों को जानने के बाद सरकार की ओर से अधिकारियों को सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। अधिकारियों को मजदूरों के साथ खड़े रहने का आदेश दिया गया। मंत्री तुमला नागेश्वर राव ने राज्य हथकरघा आयुक्त को उद्योग की स्थिति पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। देश भर में कपड़ा उद्योग पर संकट के साथ साथ नए ऑर्डर की कमी के कारण नेताओं ने उद्योग बंद करने का फैसला किया। राज्य सरकार ने अभी तक पूर्व में उत्पादित वस्त्रों का बकाया भुगतान नहीं किया है। नियुक्तों को लग रहा है कि वे निवेश नहीं कर सकते और परिधानों का उत्पादन नहीं कर सकते। सरकार ने टेक्सटाइल पार्क और सिरसिला गारमेंट इंडस्ट्री को वन ऑर्डर देने का आदेश जारी किया है। पॉलिएस्टर उद्योग के मालिक टेक्सटाइल पार्क, जिसमें केवल 600 से कम हथकरघे हैं, और सिरसिला कपड़ा उद्योग, जिसमें 25,000 से अधिक हथकरघे हैं, का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वे चिंता जता रहे कि उस नीति से सैकड़ों उद्योग बंद हो जाएंगे। पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक केटीआर ने कहा कि पिछली सरकार तेलंगाना में हथकरघा क्षेत्र के साथ खड़ी थी। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में कपड़ा उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद से रोजगार मिलने के साथ ही कुशल नेता भी तैयार हुए हैं। केटीआर ने दुख जताते हुए कहा कि दुखद है कि ऐसा कपड़ा उद्योग संकट की ओर जा रहा है। पूर्व मंत्री सिरसिला टेक्सटाइल पार्क के अनिश्चित काल तक बंद रहने पर चिंता जताते हुए ट्वीट किया। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार लेखों की कतर ने साझा की गई है। पूर्व मंत्री केटीआर ने कांग्रेस सरकार से पावरलूम कपड़ा उद्योग के साथ खड़े होने की अपील की। बीआरएस ने सरकार से हथकरघा बुनकरों की मदद के लिए कार्यक्रम जारी रखने और कपड़ा उद्योग की ओर मजबूत करने के लिए कदम उठाने को कहा है। केटीआर ने कहा कि अगर सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी तो कपड़ा उद्योग को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने विकासशील भारत कार्यक्रम के तहत काचुगुड़ा निम्बोली अड्डा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लोग केंद्र में फिर से मोदी का शासन चाहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई विकासशील भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने और इसे सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने तेलंगाना में अधिक से अधिक MPCT जीतने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लाभुकों को खासकर बैंक ऋण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, आधार अपडेटेशन सेंटर, स्वास्थ्य शिविर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना आदि के स्टॉल पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े। तेलंगाना के BJP विधायक राजा सिंह को धमकी भरे फोन आए। उन्होंने फोन कर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने श्री राम शोभा यात्रा निकाली तो जान से मार देंगे। राजा सिंह ने इन फोन कॉल्स का जवाब दिया। उन्होंने फोन पर धमकी नहीं दी, हिम्मत है तो सीधे आकर सामना करने की चुनौती दी। राजा सिंह ने इस आशय का एक वीडियो जारी किया है। इसी महीने की 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में धमकियां और भी अहम हो गई है। राजा सिंह को पहले भी धमकी भरे फोन आ चुके हैं। उन्होंने धमकियों के बारे में तत्कालीन DGP अंजनी कुमार को पत्र भी लिखा है। इसके अलावा राजा सिंह ने खुलासा किया कि उन्हें पाकिस्तान से भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। गोशामल विधायक राजा सिंह ने अज्ञात फोन नंबरों से फोन आने की शिकायत लकड़ीकापुर में तेलंगाना के DGP से की है। PCC उपाध्यक्ष चामला किरण कुमार रेड्डी ने दिल्ली शराब मामले में BRS MLC कविता को ED नोटिस भेजे जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। आरोप है कि कविता को ED का नोटिस जारी कर केंद्र की BJP ने एक नया नाटक शुरू कर दिया है। उन्होंने आलोचना की कि राज्य में हार के बाद संसदीय चुनाव में BRS को फायदा पहुंचाने के लिए ED समन का नाटक सामने लाया गया। तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष कोदंडराम से पालुकुर्ति विधायक यशस्विनी रेड्डी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ तारनाका स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने पालुकुर्ति निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए कोदंडराम की सलाह और सुझाव के बारे में जानकारी ली। कोदंडराम ने बहुत कम उम्र में विधायक चुनी गई यशस्विनी रेड्डी को सम्मानित किया। कोदंडराम ने कहा कि वह पालुकुर्ति निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। भाजपा मेरठ जिला शहरी अध्यक्ष पन्नाला हरीश रेड्डी ने मोदी के 9.5 साल के शासन के दौरान शुरू की गई विकास और कल्याण योजनाओं को समझाने के लिए मलकाजगिरी संसद के तहत 7 निर्वाचन क्षेत्रों में मोदी बस 2024 नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसके तहत KPHB कॉलोनी मंदिर बस स्टैंड पर लोगों को मोदी द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। पन्नाला हरीश रेड्डी ने कहा कि मोदी की 9 साल की सरकार में देश ने काफ़ी विकास किया है और ऊंचे स्थान पर है। उन्होंने खुलासा किया है कि उनका शासन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। इसी के तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों में बस प्रदर्शनी का आयोजन कर लोगों को मोदी के कल्याण के नतीजे बताए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले संसदीय चुनाव में मोदी सरकार बनेगी। याकूतपुरा निर्वाचन क्षेत्र के संतोष नगर डिवीजन में वेंकटेश्वर स्वामी देवस्थानम पिछले महीने से नल्लादिगा श्रीनिवासचार्य के मार्गदर्शन में अत्यंत भक्ति के साथ धनुर्मास व्रतम का आयोजन कर रहा है।
अंत में गोदारंग नादू का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। संतोष नगर श्री वेंकटेश्वर स्वामी देवस्थानम के अध्यक्ष कड़र रेड्डी दंपति ने गोदा कल्याणम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देवस्थानम ईओ पुजारी और श्रद्धालु शामिल हुए। श्रीनिवासचार्य के मार्गदर्शन में अत्यंत भक्ति के साथ धनुर्मास व्रतम का आयोजन कर रहा है। अंत में गोदरंगनादु का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। हैदराबाद के रहमत नगर में कपिल देव नाम के युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। पतंग उड़ाने गए कपिल देव की बिल्डिंग की छत से गिरकर मौत हो गई, जिससे कई तरह की आशंकाएं पैदा हुई। परिजनों ने मधुरा नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय लोग उसे एक निजी अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस को संदेह है कि यह घटना तब हुई होगी जब वह अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में पतंग उड़ा रहा था। पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल ले जाए गए शव को पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सत्य साई जिले के दौरे पर है। दिल्ली से पुट्टपर्ति एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे लेपाक्षी मंदिर गए। वहां वीरभद्र स्वामी के लिए विशेष पूजा की गई। पुजारियों ने प्रधानमंत्री को मंदिर की विशिष्टता के बारे में बताया गया। गोरंटाला मंडल के पाला समुद्र में 541 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से एक राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री इस प्रशिक्षण केंद्र का शुभारम्भ किया। प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण 44वें राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे 503 एकड़ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुरक्षित तरीके से किया गया है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां से 1 घंटे की दूरी पर है। IAS के लिए मसूरी और IPS के लिए हैदराबाद के समान चयनित भारतीय राजस्व सेवाओं IRS को यहां प्रशिक्षित किया जाता है। एबिट्स फर्नांडिस अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई है। डॉक्टरों की लापरवाही पर परिजनों ने अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। महबूबनगर कस्बे की अनुषा को 4 दिन पहले एबिट्स फर्नांडिस अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। 3 दिन पहले मां अनुषा ने बाबू को जन्म दिया। परिजनों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि जन्म के समय उसे स्वस्थ बताने वाले डॉक्टर अब कह रहे हैं कि वह मर चुका है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ओवरडोज के कारण बाबू की मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने माना है कि उनकी गलती से उसकी मौत हुई। इससे परिजन अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया, मृतक के माता पिता के साथ न्याय की मांग किया है।